नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार द्वारा गठित किए गए ओबीसी आयोग अब एक्शन मोड में आ गया है। आरक्षण मामले को लेकर मेरठ कश्मीरी की गाजियाबाद में एक अहम बैठक होने जा रही है। जानकारों की माने तो ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। गौरतलब है कि यूपी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण निर्धारित करने के बने आयोग ने सर्वे का काम तेज कर दिया है। आयोग जिलावार आरक्षण तय करने के लिए अब मंडल स्तर पर बैठकें करेगा। शनिवार को मेरठ मंडल की पहली बैठक गाजियाबाद में आयोजित की जा रही है। मेरठ मंडल के 6 जिलों के जिलाधिकारी मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़ इसमें शामिल है। यह बैठक 7 जनवरी को गाजियाबाद कलेक्ट्रेट में 12 बजे से शुरू हो गई है। इस बैठक में मेरठ कश्मीरी के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें ओबीसी आरक्षण की चर्चा और समीक्षा की जाएगी। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी चौप सिंह वर्मा पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य बनाए गए हैं, जो कि आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। 31 मार्च तक पिछड़ा वर्ग आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है, जिसको लेकर यह अहम बैठक मानी जा रही है। ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले पर काम करते हुए पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी रिपोर्ट शासन को देगा। स्थानीय निकायों में पिछड़ेपन की प्रकृति की जांच के लिए एक आयोग की स्थापना की गई है। ये आयोग निकायों में पिछड़ेपन की प्रकृति का आकलन करेगा और सीटों के लिए आरक्षण प्रस्तावित करेगा। आयोग की सिफारिशों के तहत स्थानीय निकायों की ओर से ओबीसी की संख्या का परीक्षण किया जाएगा और उसका सत्यापन किया जाए। इसके बाद ओबीसी आरक्षण तय करने से पहले ये ध्यान रखा जाए कि एससी एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कुल आरक्षित सीटें 50% से ज़्यादा ना हो। कुल मिलाकर इस टेस्ट में देखना होगा कि राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग की आर्थिक शैक्षणिक स्थिति है, उनको आरक्षण देने की ज़रूरत है या नहीं, उनको आरक्षण दिया जा सकता है या नहीं। ये तमाम चीज़ें हैं जो इस समय जो है मुकम्मल की जाएगी। बहरहाल आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।